जिला बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित रोगियों की संख्या 7 तक पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि 2 वर्षीय एक बच्ची की स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। बिलासपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र से संबंधित 2 स्वाइन फ्लू से पीड़ित रोगी IGMC में उपचाराधीन हैं। जिला बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष जन जागरण अभियान आरंभ किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के चौधरी ने लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए एहतियात बरतने के साथ साथ सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी सावधानी बरतने से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव व उपचार दोनों ही संभव है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिरदर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत, दस्त तथा उल्टियां आदि होते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग, शुगर एवं दमे के मरीजों में स्वाइन फ्लू होने का खतरा ज्यादा रहता है। उन्होंने बताया कि समझदारी और सहयोग से काम लेने पर इसे कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खांसते अथवा छींकते समय अपने मुंह व नाक को रुमाल से ढके, अपनी नाक, आंखों अथवा मुंह को छूने से पहले अथवा उसके बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना सुनिश्चित करें। ओके सर। जी सर। हमारे जिला बिलासपुर में 1 जनवरी 2019 से लेकर अभी तक 7 मामले स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश एक 2 साल की बच्ची थी जिसका नाम प्रियंका था और वो एक हमारी नज़दीकी पंचायत बामटा, वो शिमला IGMC में दाखिल थी। 3-4 दिन वो वहाँ दाखिल रही तो उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ होगी। पर उस समय एक कारण और भी था कि वो बच्ची जो था वो प्रीमेच्योर थी और उसके दिल में छेद था तो उसकी ट्रीटमेंट वो पहले भी ले रही थी तो उसकी वजह से जो है उसको स्वाइन फ्लू भी हुआ और कमजोरी की वजह से और स्वाइन फ्लू की इन्फेक्शन और उसके जो दिल में छेद था इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ होगी। और जो बाकी के 6 पेशेंट हमारे हैं जिला बिलासपुर में, उसमें हमारा एक पेशेंट एज ए OPD शिमला IGMC में ट्रीट हुआ है, एक अभी आज की डेट में IGMC शिमला में दाखिल है। ये 2 केस घुमादमी से हैं, बाकी जो 4 केस हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर में एडमिट हुए थे शक के आधार पे, तो उनके सैंपल हमने शिमला भेजे थे तो वहाँ से उनके स्वाइन फ्लू पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो भी 1 दिन के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, ठीक हो गए थे और उनको हमने यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। तो आज की डेट में कोई भी ऐसा स्वाइन फ्लू या पॉजिटिव केस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में दाखिल नहीं है और यही 7 केस टिल डेट हैं जिसमें 6 केस पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और एक अनफॉर्चुनेट जो मैंने बताया 2 साल की बच्ची थी उसकी डेथ हुई। स्वास्थ्य विभाग इसके बारे में पूरा अलर्ट है, पूरा जागरूक है और हमने यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर RRT रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स बनाई हुई हैं जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें हमारे मेडिकल अफसर हैं, हमारे BMO हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, हमारे MOH हैं। तो ये टीमें जो हमारी बनी हैं ये हमने जो है ये नोटिफाई कर दी हुई हैं ऑलरेडी दिसंबर से ही, और कहीं भी जहाँ भी हमारे ज़िला में जहाँ ये पॉजिटिव केस आए थे स्वाइन फ्लू के वहाँ ये हमारी टीमें गई हैं, इन्होंने वहाँ पे लोगों को IC की है, उनको जागरूक किया, उनको जानकारी दी है कि बीमारी क्या है, ये क्यों होती है और इससे बचाव के लिए आप अपने लेवल पे क्या काम कर सकते हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एडवाइजरी हमने उनके द्वारा घर घर में पहुँचाई है। अभी भी हमारी टीमें जहाँ भी कोई ऐसा कोई शक के तौर पर केस मिलता है हमारी टीमें वहाँ पे जाती हैं और लोगों को इसके बाद जागरूक करती हैं, और अगर किसी घर में जो स्वाइन फ्लू के जो केस सस्पेक्टेड हैं या शक के तौर पे हैं या जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको हमने कैप्सूल टैमीफ्लू जो है फ्री में बांटी है, उनको उसका पूरा ट्रीटमेंट मुफ्त में दिया है और शक अगर किसी को